हो गई है घर से लापता, क्या अप्पू गई है झनक के पास? जी आपको बता दे, सारे घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि इसी बीच बड़ो माँ आती है और सबको बताती है कि अप्पू मिसिंग है। लेकिन उसके बाद हर कोई परेशान होने की बजाय बड़ो माँ को ही डांटने और सुनाने लगता है। अर्शी भी काफी नाराज हो जाती है। इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि बिपाशा झनक को लेकर भी उल्टे जवाब करने लगती है, लेकिन तभी अनिरुद्ध यहाँ झनक के लिए स्टैंड लेने लगते हैं। एक मिनट बच्चा, क्या बोल रही हैं बहू जी? क्या है, क्या लगता है आपको? जो भी लगता है, लेकिन वो नॉर्मल तो नहीं है ना, और ये बात हम सब जानते हैं। दादी जानते तो क्या करते हैं? हाँ, हम सब लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आपको का ख्याल रखें। इस काम के लिए हमें बाहर से किसी को लाना पड़ेगा। हम लापरवाही की वजह से ना हर पल हर वक्त जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सब बोल रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, थोड़ा धैर्य लाओ अपनी जिंदगी में, थोड़े समझदारी से काम लो। आपको इस परिवार की सदस्य है, हाँ थोड़ी अलग है हम लोगों से, लेकिन खून है हमारा। मैं नहीं मानती माँ, जब उसे बदतमीजी करनी होती है। गलती से भी नहीं। देखो अर्शी, क्या है ना कि झनक है वो सर्वेंट रूम में रुकी हुई, सबके दिमाग में एक इंप्रेशन छोड़ गई, इसलिए आप सब उसे भुला नहीं पा रहे। अर्शी कुछ भी बोलो, लेकिन ये तो मत बोलो कि हम झनक को भुला नहीं पा रहे। वो लड़की हमारी जिंदगी में ना एक बुरी याद की तरह। एक मिनट बहन, शायद मैं शायद भूल रहा हूँ, आप याद दिला दीजिए कि उसने आपका क्या बुरा किया या हम सबका क्या बुरा किया है। अच्छा नहीं, याद दिलाओ। आप प्लीज याद दिलाइए। मुझे नहीं खाना बस। अर्शी तुम ऐसे क्यों लिया? हालांकि हर कोई एक दूसरे से बहस कर रहा है, पर कोई भी अप्पू को ढूंढने के लिए नहीं जा रहा, और ये बात बड़ो माँ को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है। आप सब झनक को भूल जाइए, मत याद रखिए, हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि झनक ने आप सबका बुरा किया है, बल्कि उसके साथ इस घर में बुरा हुआ है। वो हमेशा के लिए जेल जाने वाली थी और आप सब उसे भेज रहे थे, याद है ना? है यार, अजीब बातें कर रहे हैं। अर्शी ने मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं तुम्हें तरस नहीं खा रहा हूँ अर्शी, मैं सब तुम्हें खाना खिला रहा हूँ कि तुम्हें तबीयत खराब है तो कर ही सकता हूँ ना। अरे ये सब छोड़ो, दादी बोलती है आपको क्या, अपू का क्या करें हम? अरे ये सब छोड़ो, अपू का क्या करें? मैं अपू के बाबा को फोन करती हूँ। हाँ बाबू आ रहे हैं ना? जी वो उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। वेल, अब इसमें ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर अप्पू गई तो गई कहाँ? क्या वो झनक के पास चली गई है या उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है? वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जय शोबिज़ को।